सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। जहां भी देखो आज भी छुट्टा जानवर किसानों की फसल को बर्बाद कर उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहे हैं। जिले के आला अधिकारी आए दिन गौशालाओं के दौरे करने में मशगूल है, लेकिन फिर भी किसानों को इन छुट्टा जानवरों से निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही। ऐसा ही कुछ मामला प्रतापगढ़ में रानीगंज के शिवगढ़ से सामने आया है, जहां आवारा पशुओं से परेशान होकर किसानों ने मवेशियों को ब्लॉक व अन्य सरकारी कार्यालयों में ले जाकर बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि पूरी फसल चौपट हो गई, खेतों में खड़ी फसलों को आवारा जानवर चरते और बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। पता नहीं कब इन छुट्टा जानवरों से निजात मिलेगी। समस्या यही है, लील गाय बछवा, जंगली सुअर, सारे परेशानी है। सब लील गाय खा जा रहे हैं, सब बैल गाय सब है, पशु हाँ सब है, जंगली सुअर है। तो आपकी खेती सारी खेती नष्ट कर दिए, 10 बस्सा के आलू साफा कर दिए आपकी। हाँ, आपका ये जो पूरा ये खेती दिख रहा है किसका है? हमारा है। आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं? मैंने सब्जी की खेती करता हूँ, आलू का, बैंगन की, गेहूँ का, सरसों का, सारा खेती करता हूँ, हर चीज़। आपके पास ये पत्ता गोभी कौन? पत्ता गोभी है हमारा, पत्ता गोभी है। तो ये टमाटर फसल किसकी है? टमाटर हमारी है। टमाटर आपकी है ये भी? तो आपने कितने लागत लगा के कितने बीघा खेती की है? कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लगाया हूँ। अभी तक कितना आपको नुकसान लगा है, कितना नुकसान नहीं? इसमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है, क्या करें, इसी से लगे हैं, कोई और तो रोजगार है नहीं मेरे पास। आपके पास कितना बीघा खेत है? 5 बीघा है मेरे पास। 5 बीघा में पूरा खेती किए हो? हाँ, पूरा खेती किया हूँ।